मंडी शहर के ऐतिहासिक पटल मैदान में 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 9 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल संकुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर CL चंदन ने किया। मंडी शहर के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल संकुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर CL चंदन ने किया। इस प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय मंडी के रसायन शास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनिल ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता का पहला मुकाबला राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर व PG सेंटर शिमला की टीमों के मध्य हुआ, जिसमें PG सेंटर शिमला की टीम ने हमीरपुर महाविद्यालय की टीम को 21 से पराजित कर मैच को अपने नाम कर लिया। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मैच राजकीय महाविद्यालय मंडी व GC दौलतपुर चौक के बीच खेला गया, जिसमें मंडी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मंडी महाविद्यालय की टीम ने 60 से GC दौलतपुर चौक की टीम को पराजित कर शानदार जीत हासिल की। वहीं MLSM कॉलेज सुंदरनगर की टीम ने सोलन महाविद्यालय की टीम को 1-0 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि CL चंदन ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान में खेलें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं पर तकनीक व आधुनिक मीडिया के प्रभाव पड़ रहे हैं। CL चंदन ने कहा कि नशाखोरी व सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए खेलें सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। इस अवसर पर स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज विमेन हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 9 टीम्स ने भाग लिया है और इन टीम्स में कुल 160 के करीब पार्टिसिपेंट्स यहां आए हैं। और आज जो इनॉग्रल मैच है वो कमेंट कॉलेज मंडी और कमेंट कॉलेज दौलतपुर चौक के बीच में हो रहा है। तो जिस तरह से देश में महिलाओं का स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ रही है और वो देश के लिए ऊंचे गौरव प्राप्त कर रही हैं, उससे देश के महिलाओं के स्पोर्ट्स का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय पहले जो हॉकी में भी बहुत भारत की जो क्रिकेट हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की है, उसमें रीना रामपाल इस समय दुनिया के एक उभरता हुआ हॉकी का चमकता हुआ सितारा है, जो कि विमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। तो उससे प्रेरणा लेते हुए मुझे सभी पार्टिसिपेटिंग जो टीम्स हैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वो इस स्पोर्ट्स में पूरे अपने एफर्ट्स करके बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। और इसमें स्पोर्ट्स विमेन स्पोर्ट्स में अभी इंटरनेशनली बहुत भारत और आगे बढ़ सकता है।